नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 18 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली थर्टी। डेली थर्टी में आज का जो टर्म होता है वो इतिहास का होता है। एक दिन का डेली थर्टी आपको पिछले 16 तारीख का नहीं मिला था और उसका कारण था मेरे साथ कुछ बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या हुई थी और इस कारण से मैं उपलब्ध नहीं हो पाया। आज के डेली थर्टी में हम सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और कल के टेस्ट के जो टॉपर्स रहे हैं, टॉप 10 का नाम भी हम यहाँ पर घोषित करेंगे और करंट अफेयर के 10 प्रश्न और 20 प्रश्न आज के टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप इसको देखिए और अपना उत्तर जो है वो टिक करने की कोशिश करिए। और इसका सही उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल व्यवस्था से परिचित थे, ऐसा पाया गया है साक्ष्य। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी एकत्रित करते थे, संग्रहित करते थे और ये इस तरीके का प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि इससे पहले ऐसा बांध जलाशय बनाकर कहीं जल का एकत्रीकरण नहीं किया जाता था। अगला जो प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, शुभ कोतड़ा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा जो नगर है यह आयताकार नगर है और इस नगर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। और ये जो 3 भाग हैं, इसमें किला, मध्य नगर और निचला भाग। एक किला इसमें हो गया और एक मध्य नगर हो गया और एक इसका निचला भाग हो गया, ऐसे इसको विभाजित किया गया था। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कहां पर है? तो धौलावीरा बिल्कुल रट लीजिए, बहुत बार ये पूछा गया है, ये स्थित है गुजरात में। 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्त महानगर में से एक ही गिना जाता था। और गुजरात में ये किस जिले में स्थित है आपसे पूछा जाए तो कच्छ जिले में स्थित है। 5000 साल पहले यहाँ पर 50,000 लोग रहा करते थे। आप सोचिए कि ये उस समय कितना डेवलप था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, ये जो 6 पुराने महानगर हैं ये पुरातन संस्कृति के नगर हैं, ठीक है? और धौलावीरा और लोथल भारत में इसमें स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। कभी कभी ये लिस्ट देके आपसे पूछा जाता है कि कौन से इसमें भारत में स्थित है। इसका उत्खनन आपसे पूछा जाए किसने किया था, तो आर.एस. बिष्ट ने इसको उत्खनित कराया था, इनके निर्देशन में ये हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जब भी प्रश्न करिए ध्यान रखिए कि क्या पूछा जा रहा है, हुई है या नहीं हुई है, तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोहा। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहां से तांबा मिला है, कांसा मिला है, स्वर्ण मिला है, चांदी मिला है, लेकिन यहाँ पर लोहा नहीं मिला है। लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। किस आधार पे बताया जाता है कि परिचित नहीं थे? जो चीजें यहाँ पर मिली हैं, तो मिली चीजों से ये माना जाता है कि ये लोग परिचित थे। जो चीजें नहीं मिली, जो नहीं मिली है तो परिचय कैसे होगा? भारत में लौह युग जो प्रारंभ हुआ वो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व के आसपास, इसको माना जाता है कि लौह युग यहाँ पर इस समय स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? ये मिला है लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, इसमें तो कोई डाउट रह नहीं गया। और यहां पर हाथी दांत का पैमाना अगर हड़प्पा सभ्यता में पूछा जाए तो ये आपको मिला है लोथल से। और लोथल कहां पर है? लोथल है गुजरात में, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? धातु, कौन सी धातु थी जो मानव ने सबसे पहले उपयोग किया? और ये धातु थी तांबा, कॉपर जिसको कहते हैं। कॉपर धातु का उपयोग सबसे पहले मानव ने किया था। विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में यह अंतर मिल सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉपर था जिसका उपयोग सबसे पहले धातु के रूप में मानव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष, तो घर में कुएं कहां पर मिले हैं यह स्थान आपसे पूछा जा रहा है। और यह स्थान था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ध्वंसावशेष जो प्राप्त हुए पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर यह स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है सिंधु नदी के किस तट पर, दाएं की बाएं, तो ये दाहिने तट पर स्थित है। और यहां पर घर के अंदर, यानी कि लोगों के पास निजी कुएं और स्नानागार होते थे घर में। जैसे अभी भी आप कुछ दिन पहले की बात करें तो शहर और गांव दोनों में आपको कुएं मिल जाएंगे, पानी पीने के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता था। और स्नानागार तो अभी भी लोगों के पास होते हैं, जिसको आप बाथरूम कहते हैं, बड़े हाईटेक बाथरूम होते हैं, तो पानी के निकास के लिए नालियां भी थी, क्योंकि बाथरूम होगा तो पानी निकलेगा कहाँ जाएगा, तो इसके लिए नालियां भी बनाई गई थी।
तो ये सब मोहनजोदड़ो में आपको देखने को मिल जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो हम डिस्कशन करते हैं इसमें पूछे गए प्रश्न भी होते हैं और नए प्रश्न भी होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए कि पूछे गए प्रश्न से आपको ये पता चलता है कि कैसे प्रश्न आयोग आपसे अपेक्षा करता है, क्या आप पढ़े क्या छोड़े। जब प्रश्न आता है ये कि क्या पढ़े क्या छोड़े, तो इसी से डिसाइड होता है। और हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था वो था ए कनिंघम, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज इन्होंने की थी, लेकिन इन टीलों का क्या इंपॉर्टेंस है ये नहीं समझ पाए थे। भारत के पुरातत्व अन्वेषण का पिता अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिया ये कौन है, तो आप मारिएगा ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को, लेकिन ये नहीं जान पाए थे ये कि इसका महत्व क्या है, ये कितनी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे कौन है। अब यहां पर देखिए जोर दिया जा रहा है कि दो भारतीय, कई बार आप जब क्वेश्चन करते हैं और ये ध्यान नहीं देते हैं कि पूछा क्या जा रहा है तो क्वेश्चन आपका कठिन हो जाता है। इसमें देखिए दो भारतीय नाम केवल ए ऑप्शन में दिए हैं, दयाराम साहनी और अकालदास बनर्जी। आपको इसमें नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, आप ए को टिक कर दीजिए, क्योंकि जो भारतीय नाम होंगे वही तो भारतीय होंगे, है ना। जॉन मार्शल तो भारतीय नहीं थे ना, तो महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर दो भारतीय दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने, है ना, ये मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, यही हैबिट यहाँ पे डेवलप करने के लिए मैं कोशिश आपकी करवा रहा हूं, और इसको आप अगर डेवलप कर ले गए तो आप यकीन मानिए कि आपका 20-25% क्वेश्चन इंक्रीज कर जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, प्रजापति की, इंद्र, पशुपति, शिव, विष्णु। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पशुपति शिव की पूजा ये लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोत से ही प्राप्त होती है। अब कैसे पता चलेगा, वहां पे जो मूर्तियां मिलेंगी, वहां पर जो मोहरे मिलेंगी, वहां पे जो मृतभांड मिलेंगे, उस पर क्या बना हुआ है। तो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे, ये तो बिल्कुल सत्य है, परम पुरुष और परम स्त्री ये दो रूप थे जिसमें वो विश्वास करते थे। और हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की पूजा की जाती थी, मोहनजोदड़ो से एक मुहर में तीन मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके सिर पर तीन सींग है, तीन सींग उसका ये ऐसे सिर बना हुआ है, तो उसके सिर पर तीन सींग लगी हुई है। और जो उसके सिर पर तीन सींग है उसके दाहिनी तरफ एक हाथी और एक बाघ और बाईं तरफ एक गैंडा और एक भैंसा खड़े हुए दिखाए गए। अब ये भी प्रश्न बनाने के पॉइंट है, दाहिनी तरफ क्या है, हाथी और एक बाघ है, और बाईं तरफ क्या है, गैंडा और भैंसा, ठीक है। और ऐसा प्रतीत होता है कि आज के भगवान शिव की पूजा उस समय पशुपति के रूप में होती थी, तो ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि वो आप दर्शन दिए थे भगवान शिव के हम उस समय थे और हमारा नाम नोट करो इसमें, ये सब गैस वर्क है। और इसी के आधार पर, गैस वर्क का मतलब ऐसा नहीं कि अंदाजा लगा लिया गया, कहने का मतलब केवल इतना है कि अध्ययन कैसे किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे स्थित थी, चार नदियां यहाँ पे दी हैं, क्या चारों थी या कौन सी थी, एक दो तीन आप इसमें टिक कर सकते हैं। एक दो तीन, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना नदी तक था, ठीक है, यमुना की सहायक नदी हिंदन उसके तट तक था, यमुना डायरेक्टली नहीं लेकिन यमुना की सहायक थी हिंदन, तो हिंदन के तट तक ये माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां तो शामिल है, लेकिन इसमें गंगा नदी जब आपसे कहा जाए तो गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ पर सिंधु, झेलम और चेनाब ये है, गंगा नहीं थी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, पुरास्थल और हड़प्पन, तो सबसे बड़ा पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा, बिगेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा और मोहनजोदड़ो के बाद का स्थल है, ये ध्यान रखिएगा इनमें से, ठीक है ना, वैसे मोहनजोदड़ो हो जाएगा लेकिन जो इनमें दिया हुआ है उसमें राखीगढ़ी, तो फर्स्ट में मोहनजोदड़ो फिर राखीगढ़ी, और 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है, हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी, और हरियाणा में भी अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो हिसार जिले में पड़ता है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है, घग्घर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज सूरज भान ने 1969 में की थी, तो घग्घर नदी भी ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें यहाँ घेरी जा रही है उस पर ध्यान दीजिए।
हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर सूरजभान ने खोज की और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन मोहनजोदड़ो इसमें दिया नहीं है तो राखीगढ़ ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था, कौन सा पत्तन नगर था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल। लोथल के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लोथल गुजरात में जो अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद जिले में, और इसकी नदी पूछी जाती है भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह होना है कि ये हड़प्पा काल का बंदरगाह था। लोथल गोदी जो विश्व की प्राचीनतम ज्ञात गोदी है, जो बंदरगाह की गोदी है वो प्राचीनतम ज्ञात गोदी है, सिंध में स्थित हड़प्पा के शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच बहने वाली जो साबरमती नदी है कि प्राचीन धारा के द्वारा शहर से ये जुड़ी हुई थी और इन स्थानों के मध्य एक व्यापार का मार्ग डेवलप था। भाई जो भी जो बंदरगाह होंगे उनका उद्देश्य क्या होगा? जहाजें चलेंगी, नावें चलेंगी, जो भी उस समय रही होंगी, तो व्यापारिक स्थल के रूप में उसका उपयोग होता था। कच्छ का मरुस्थल अरब सागर का उस समय एक हिस्सा हुआ करता था और वहीं पर ये स्थित था। अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी जब भारत और पाकिस्तान एक थे, भाई पाकिस्तान क्या है? भारत का एक बेटा है। अब उसको कई लोग कहते हैं नाजायज औलाद है या जो भी है, लेकिन है भारत का ही बेटा, तो भारत से ही वो अलग हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो पाकिस्तान में चला गया? तो ये हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में ही, हड़प्पा हड़प्पा हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं, वो हमारे यहाँ है भी नहीं। वो कहाँ है? ये आधुनिक पाकिस्तान में है, माउंटगोमरी पड़ता है, वर्तमान साहिवाल इसका ऐसे नाम है, तो वही साहिवाल जिले में स्थित है। और यह स्थल किस नदी के तट पर है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये रावी नदी के तट पर है, ठीक है। और बाकी जो इसमें दिया है कालीबंगा, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात में हम पढ़ ही चुके हैं, और एक आलमगीरपुर दिया हुआ है। यूपी स्पेशल जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल, तो आलमगीरपुर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला जो प्रश्न है, सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सैंधो सभ्यता का स्नानागार जो बाथरूम प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ? वो था मोहनजोदड़ो से प्राप्त। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से 55 की ओर 33 मीटर। अब इतना बड़ा बाथरूम इस समय तो खैर मुकेश अंबानी के घर में ही होगा, बाकी तो छोटे छोटे बाथरूम होते हैं, इतने बड़े कोई लोग भी नहीं, इतने बड़े बाथरूम में कौन नहाएगा? पूरा गांव पूरा मोहल्ला नहा लेगा। अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, और अपने कृषि संबंधी साक्ष्य के लिए। अब ये तीनों की तीनों चीजें सही है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप थी, सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप थी तो उसमें क्या था? यही सब तो चीजें थी भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी चीजें पाई जाती थी। वहां नगर नियोजन पाया जाता था, वहां पर कृषि संबंधी भी साक्ष्य मिले हैं, है ना, और वहां पर आपको प्रमुख नगर भी मिल जाएंगे। तो नगर नियोजन की बात करें, नगरों में रहने वाले लोगों की बात करें, उनके रहन सहन की बात करें, तभी तो हम कह सकते हैं कि वो डेवलप था। ये सामान्य सी बात है, कॉमन सेंस का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, एक जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जूता हुआ खेत आपको मिलता है कालीबंगा में। कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल जो है खंबात की खाड़ी के निकट स्थित था, लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य, सॉरी ये खंबात की खाड़ी के पास स्थित था लोथल, वहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित था कालीबंगा, तो वहां से जुते हुए खेत के साथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक यहां पर जो आप बार बार पूछा जाएगा आपसे वो लोथल, तो लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले, और एक जो ये दूसरा है कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ठीक है। और धौलावीरा भी पूछा जाता है आपसे, तो बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से मिला। और एक स्थल है बनावली जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, वहां से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए इसका। अगला जो प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा पूर्व आर्य काल से मानी जाती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उत्तर वैदिक काल इसको टिक करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधो सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और इसके उदाहरण अनेक शैव पुरास्थलों से प्राप्त मार देवी की मृण मूर्तियां हैं। इससे अगर वहां से मिलेगा कैसे प्रमाण, कैसे हम जान पाएंगे? क्योंकि वहां की जो पुरातत्व
पुरास्थल है, पुरास्थल से हमको क्या मिला है, मृण मूर्तियां मिली है, मात देवी की मूर्तियां मिली है पूर्व आदि काल से, इसीलिए हम मान सकते हैं कि तब से मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो चुका था। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, कौन सा रंग था, लाल पीला हरा नीला? तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। अभी वैसे जो कुम्हार के आप चाक देखते हैं तो हाथ से चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पैर से चलाया जाता था, और उसमें जो रंग का प्रयोग हुआ वो लाल कलर का था। हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का बाद में प्रयोग होने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे चित्रित मृदभांड। तो पहले ये पैर से चालित चाक थे, फिर ये हाथ से चालित चाक मिले, दो तरीके के इसमें बर्तन मिले, और इसमें मृदभांडों को जो बनाया जाता था तो उस मिट्टी में रेत का भी मिश्रण किया जाता था, है ना, और हल्के भूरे लाल रंग का रूप ये ग्रहण कर लेती थी। क्यों? क्योंकि रेत का मिश्रण करने से के बाद में, और उसमें फिर क्योंकि ये मिट्टियां मिट्टी होती थी, जब वो पकती थी तो पकने के बाद में, पकाने के बाद में वो हल्के भूरा रंग जो लाल लाल दिखता था वैसा ये हो जाती थी। तो ऐसा कोई आपसे पूछा जाए कि कलर बनाते थे वो लोग, तो हो सकता है कलर ना रहा हो, लेकिन ये ऐसे पका के इसको लाल कर लिया जाता था। तो इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी। अब दो चीजें हैं, एक तो ऐसे लाल ये हल्का हल्के लाल दिख भी रहे हैं, और ऊपर से ये लाल कलर यहाँ पर ये लगाने की भी बात हो आ रही है, तो अब ये क्लियर हो गया कि लाल रंग भी वहां पर था। ठीक है, दिमाग में बैठाइए इसको। एक तो ये लाल दिखने भी लगते थे, दूसरा लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, इनको पोत दिया जाता था। तो अब जब प्रश्न पूछा जाए कि लाल रंग था कि नहीं था, तो हाँ था उस समय, और इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई करके निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला और अंतिम प्रश्न है इस आज के टॉपिक का, वहां पे आप ध्यान रखिएगा कलर भी है, वैसे तो वो लाल हो जाती थी लेकिन कलर का भी प्रयोग होता था, और नीचे काले रंग से चित्रकारी की जाती थी और रेड कलर यूज किया जाता था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ किया गया? मेसोपोटामिया, मिस्र, मध्य अमेरिका, भारत। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ भारत में ही किया गया था, ठीक है, और 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, उसके उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई। तो इससे प्रमाण मिल गया कि भारत में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया गया था। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सत्य कथन। तो ये प्रश्न करंट अफेयर का है, 10 प्रश्न हम करंट अफेयर के देखेंगे। सत्य कथन आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है। ये 15 में शुरू की गई योजना, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ही शुरू की गई योजना है, और इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कर रहा है, और अंतिम विकल्प उपयुक्त सभी सही है, सभी सही है ये ध्यान रखिएगा। सारे के सारे इसमें जो कथन है वो सही दिए हुए हैं, इसका मंत्रालय भी आपसे पूछा जाता है, और आजकल की प्रवृत्ति है यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछने की, पुराने जो जितने भी प्रमुख कार्यक्रम है, जितनी भी योजनाएं हैं, उनका ये स्टार्टिंग डेट पूछ लेता है, सन पूछ लेता है, ज्यादातर सन पूछ रहा है, ठीक है, और इसकी क्रियान्वयन की एजेंसी कौन सी है ये पूछ ले रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसके बारे में। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय नव परिवर्तन प्रतिष्ठान भारत के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय नव परिवर्तन प्रतिष्ठान, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एक है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, और इसकी स्थापना फरवरी 2003 में अहमदाबाद गुजरात में की गई थी। ये दो स्टेटमेंट है, और ये पहला तो सही है, लेकिन इसके दूसरे स्टेटमेंट जो दिया है कि 2003 में की गई थी, तो ये 2003 में नहीं, ये 2000 में की गई थी, और अहमदाबाद गुजरात में ही इसकी स्थापना की गई थी। समाज के अनौपचारिक क्षेत्र के जमीनी स्तर के जो नौचारक हैं और जो परंपरागत ज्ञान है, जो परंपरागत ज्ञान रखने वाले लोग हैं, उनको ये सहयोग प्रदान करने वाली संस्था है, संस्थागत सहयोग ये प्रदान करते हैं उसको। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 2000 दिया हुआ था तो ये सही हो जाता, बाकी ये अहमदाबाद गुजरात में सही है, और ये भारत सरकार में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय नव परिवर्तन प्रतिष्ठान आता है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, गूगल ने स्मार्ट वेरिएबल कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है। दूसरा है कि फिटबिट एक अमेरिकी फिटनेस और यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। चलिए देखते हैं क्या सही है इसमें।
पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है। गूगल ने ये किया है, स्मार्ट वेरिएबल कंपनी है फिटबिट, उसका अधिग्रहण किया है, $2.1 बिलियन का ये समझौता हुआ है और गूगल फिटनेस टेक सेक्टर में इसी से प्रवेश कर रहा है। अमेरिकी ये कंपनी है, ये आपको ध्यान में रखना है और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। फिटबिट ने लगभग 100 देशों में 120 मिलियन डिवाइस बेचे हैं, जो आजकल देख रहे फिटनेस बेल्ट लोग मानते हैं ना, तो फिटनेस बेल्ट जो है गूगल भी अपना बनाएगा और फिटबिट का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है जेम्स नाइस्मिथ। जेम्स नाइस्मिथ कौन है ये पूछा जा रहा है। एक कनाडाई अमेरिकी डॉक्टर है, कोच है, शारीरिक शिक्षक है, उपयुक्त सभी हैं। तो ये उपयुक्त सभी हैं। गूगल ने जब 16 जनवरी को जेम्स नाइस्मिथ को सम्मानित करने के लिए एक डूडल बनाया, तब ये चर्चा में आए। एक कनाडाई अमेरिकी डॉक्टर, प्रोफेसर, कोच और शारीरिक शिक्षक थे। उन्होंने बास्केटबॉल के खेल का आविष्कार किया था, समझ गए ना, जेम्स नाइस्मिथ ने बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया था और बास्केटबॉल के खेल के आविष्कार का श्रेय इनको दिया जाता है। और इनका जन्म 6 नवंबर 1861 को कनाडा के ओंटारियो में हुआ था। बास्केटबॉल बहुत ही लोकप्रिय खेल है, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। केवल ये कोई एक चीज नहीं, ये कनाडाई अमेरिकी डॉक्टर थे, कोच थे, शारीरिक शिक्षक थे, बहुत सारे लोग बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं। अगला जो प्रश्न है, दो बार महाभियोग से गुजरने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है या थे, आपको बताना है। जॉर्ज वॉकर बुश, ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, एंड्रयू जॉनसन, दो बार महाभियोग से गुजरने वाले। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है और जब ये बने थे वहां के राष्ट्रपति, तभी से लोग उम्मीद करते थे ये कोई बड़े बड़े चुतियापा वाले काम करेंगे, इन्होंने कर भी दिखाया है। और अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने कैपिटल भवन में दंगों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जब महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार महाभियोग से गुजरने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति बनने में कामयाब रहे, है ना। इनका अजीब व्यक्तित्व रहा है, इनके काम सब अजीब अजीब रहे हैं। पूरा कार्यकाल आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने कर डाले, पता नहीं कौन कौन सी इनको समस्याएं हो गई, बहुत बड़ी बड़ी ट्रीटीज जो हुई थी उनसे इन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, हर जगह इनको पता नहीं क्या दिखता था, क्या विजन था इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अंत में तो ये बहुत ही गंदा काम करके जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है। तो ये जो देश है वो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, चीन, ये चार दिए हुए हैं। तो स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ साझेदारी की है। स्टार स्ट्रीक जो है ये वायु रक्षा प्रणाली है और उसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। और इस परियोजना के तहत यूके के सशस्त्र बलों सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए सिस्टम को निर्यात करेगी कौन, भारत डायनेमिक्स और वैश्विक एरोस्पेस कंपनी थेल्स, इन दोनों ने मिलकर काम किया है। तो इन्हीं दोनों मिलकर ये काम करेंगे, मतलब ये निर्यात करेंगे, सिस्टम निर्यात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस मनाया गया, 15 जनवरी। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं, पहला तो सही है कि 15 जनवरी 2021 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस मनाया गया और ये 146वां स्थापना दिवस था। अब 150 के करीब पहुंच रहा है, इसलिए कभी भी पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी, तो 2025 जब आएगा तो 150वां यह मनाएगा। और इस दिवस को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा मुद्रा स्फीति को मापा जाता है, रिटेल जो इन्फ्लेशन होती है, खुदरा मुद्रा स्फीति उसको कैसे मापा जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, कैसे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति और कारखाना उत्पादन पर आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा ही खुदरा मुद्रास्फीति को मापा जाता है। उपभोक्ता मूल सूचकांक जो CPI होता है, CPI के द्वारा रिटेल इन्फ्लेशन को मापा जाता है। अब CPI है क्या, CPI जो होता है यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य में जो भी चेंजेज होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उनको मापता है। और ये कौन जारी करता है,
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ इसको जारी करता है। तो कई बार पूछा जाता है सीपीआई, तो एनएसओ जारी करता है सीपीआई को। और ये उन चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है जिन वस्तुओं और सेवाओं पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, तेजस सिंगल सीट सिंगल जेट इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर है। तेजस के बारे में इतनी चीज, पहली बात कि सिंगल सीट है, अगर है तो सही है, सिंगल जेट इंजन इसमें लगा हुआ है और मल्टी रोल लाइट फाइटर है, क्या सही है ये। दूसरा है कि तेजस को भेल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। चलिए चेक करते हैं, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तेजस सिंगल सीट है, सिंगल जेट इंजन वाला है और मल्टी रोल लाइट फाइटर है। ये भारतीय वायुसेना का सबसे छोटा, आपसे पूछा है सबसे छोटा सबसे हल्का जो वायुसेना का ये फाइटर है वो कौन है, तो तेजस है। लेकिन इसको एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, और यहां पर क्या दिया जा रहा था कि इसको भेल के द्वारा किया गया है, तो एचएएल के द्वारा किया गया है। तो पहला सही दूसरा गलत, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। अगला जो प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद में हम टॉपर्स की लिस्ट डिस्कस करेंगे जिन्होंने 2030 के 18 जनवरी 17 जनवरी के एग्जाम में टॉप किया है। आज तो 18 तारीख है, तो 17 कल टेस्ट हुआ था, उसकी टॉपर की लिस्ट आपको हम बताएंगे। खादी प्राकृतिक पेंट खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित गाय के गोबर से निर्मित भारत का पहला पेंट है। खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में बात हो रही है, ये चर्चा में इधर खूब रहा है, आपने न्यूज देखा होगा, तो न्यूज चैनल्स वाले ने 2-2 घंटे तक इसको दिखाया, खादी प्राकृतिक पेंट। और दूसरा है खादी प्राकृतिक पेंट पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, गोबर से ये पेंट बनाया जा रहा है, भारत का ऐसा बनाया जाने वाला पहला पेंट है, पर्यावरण के अनुकूल है, इसमें विषाक्त तत्व जो पेंट में यूज किए जाते हैं वो इसमें नहीं है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण इसमें पाए जाते हैं, अगर आपसे दे दिया जाए कि खादी पेंट में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, और गाय के गोबर का उपयोग इसमें किया जा रहा है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि गोबर है तो बदबू आएगी, इसमें बदबू वदबू नहीं आ रही है, और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसको प्रमाणित कर दिया गया है। इसमें सीसा पारा क्रोमियम आर्सेनिक कैडमियम ये सब कोई जो धातुएं जो नुकसानदायक हैं हमारे शरीर के लिए, मानव के लिए, मस्तिष्क के लिए, फेफड़े के लिए, सब अलग अलग धातुएं हैं जो आप पढ़ते रहते हैं साइंस में, नुकसान करती हैं, वो इसमें नहीं पाई जाएंगी, तो बिल्कुल पर्यावरण अनुकूल पेंट है, खादी प्राकृतिक पेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए टॉपर्स की लिस्ट डिस्कस करते हैं जिन्होंने टॉप किया है, और पहला नाम है इसमें वंदना का, पिछली बार भी इनकी फर्स्ट रैंक थी, इस बार भी इनकी फर्स्ट रैंक है, और इस बार इन्होंने कमाल किया है, 75 में 75 क्वेश्चन सही कर दिए, एक ही अटेम्प्ट में 75 में 75 क्वेश्चन सही है, 100 out of 100। इनसे पूछिए आप लोग कमेंट करके कि ये कैसे कर पाती हैं, बहुत बड़ी बात है। नेहा राजपूत ने भी कमाल दिखाया है, 75 में 74 क्वेश्चन सही है, दूसरी रैंक इनकी है, तो पहली हो गई दूसरी हो गई। और रश्मि गुप्ता, ये तीन टॉपर पहले भी थे, यही तीन टॉपर इस बार में है, 73 इन्होंने किया रश्मि गुप्ता ने, और 73 में 73 सही है, 97 नंबर इनके हैं। चौथी रैंक आती है ब्रिजेश वाजपेयी, तीन तक तो महिलाएं कब्जा की हैं, चौथे पे ब्रिजेश वाजपेयी लड़के के रूप में प्रकट हुए हैं, फिर 5वें नंबर पे फिर गरिमा जी आ गई हैं, 5वीं रैंक है, 76 में 67 क्वेश्चन सही। ये तीन लोग क्या करती हैं, क्या खाती हैं, कैसे इतना अच्छा करती हैं, इनसे पूछिए आप लोग कमेंट करके। वंदना, नेहा राजपूत, रश्मि गुप्ता, आप लोगों को कोई सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता, मैं आज ही लिख के दे रहा हूँ, बस अपना प्रयास आप ऐसे जारी रखिएगा। कंचन त्रिपाठी 6ठी रैंक है 82 मार्क्स के साथ में, गौरव जैन 82 मार्क्स के साथ 6ठी रैंक, विभा पांडे 81 मार्क्स के साथ 7वीं रैंक, वेरी गुड, नए नाम भी अब इसमें आने लगे हैं, और अभय 80 मार्क्स के साथ 8वीं रैंक, और 79 मार्क्स के साथ 9वीं रैंक है गौतम कुमार की, और 78 मार्क्स के साथ 10वीं रैंक है रामचंद्र की। इन लोगों की जो ये रैंकिंग आई है ये सिद्ध करती है कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इन तीन लोगों को तो मैं खुद पता नहीं, मुझे लगता है कि ये मेरा सब हैक कर लेती हैं क्या सब कुछ, तो इनको 100% मार्क्स कैसे आ जाते हैं। बहुत बधाई इन लोगों को, बहुत बहुत बधाई, और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बाकी और लोगों ने टेस्ट में जिन्होंने भाग लिया है, लंबी सूची है उसको मैं नहीं पढ़ सकता, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और एक दिन यूपी या जिस कमीशन का आप एग्जाम देंगे वहां की लिस्ट जारी होगी और आप लोगों का नाम ऐसे ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।